महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के रायगढ़ में बारिश का कहर कुछ इस तरह नजर आया कि इस किले की सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने वाले लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। मानसून का असर न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नजर आ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बीते रविवार को इस इलाके में बादल फटने जैसी बारिश हुई और इस दौरान रायगढ़ किले पर घूमने पहुंचे पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंस गए। आधे घंटे की बारिश के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की सीढ़ियों पर झरने जैसा नजारा बन गया, जिनमें किला घूमने आए पर्यटक अटक गए। गनीमत ये रही कि सीढ़ियों पर लोहे की चेन लगी थी, जिसके सहारे उन्होंने खुद को संभाला। कई लोग इस तेज धार में लड़खड़ाने लगे, जिसे वहाँ मौजूद अन्य पर्यटकों ने बचा लिया। ये किला मुंबई से दक्षिण में स्थित रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का किला कहलाता है। इस किले पर 1450 सीढ़ियां चढ़कर किले पर पहुंचते हैं, जो समुद्र तल से 1350 मीटर ऊंचा है। किले के ऊपर तक पहुंचने के लिए 1450 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। शिवाजी महाराज से जुड़े होने के कारण इस ऐतिहासिक किले में टूरिस्टों की तादाद खासी रहती है। रविवार दोपहर को भी कई सैलानी रायगढ़ किला पहुंचे थे। दोपहर 3 बजे करीब यहां जबरदस्त बारिश हुई। आधे घंटे में ही किले का पानी झरने की तरह बहने लगा और सीढ़ियों के रास्ते आ रहे सैलानी इसमें फंस गए। वो सीढ़ियों में डिवाइडर और दीवार के सहारे खुद को बचाते नजर आए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।